हेलो गाइस वेलकम टू प्रैक्टिस स्मोक्स यूट्यूब चैनल ऑन रेगुलेटरी बॉडी एग्जामिनेशन सो एज़ यू ऑल नो कि हमारी पी आई बी इन की सीरीज़ को ऑलमोस्ट मोर देन वन मंथ हो गया है एंड वी हैव कवर्ड अ लॉट ऑफ आर्टिकल्स क्वेश्चन है सो अराउंड सेवेंटी एट्टी क्वेश्चन अब तक हमने करवा दिए हैं और ये सारे क्वेश्चन जो करवाए हैं हमने दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ फेज़ वन एंड फेज़ टू बिकॉज हमें पता है कि आर बी आई गेट बी दो हज़ार चौबीस एग्जाम में फेज़ वन एंड फेज़ टू के करंट अफेयर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है द पॉइंट इज की जो फेज़ टू में करंट अफेयर्स होते हैं दे आर मोर टूवर्स ई एस आई मोर टूवर्ड्स स्कीम्स इंटरनेशनल रिपोर्ट्स द सेम पैटर्न कैन बी सीन इन द फेज वन बट द पॉइंट इज फेज़ वन इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव इट कवर्स अलॉट ऑफ एरियाज बिकॉज इट कवर स्पोर्ट्स अवार्ड्स एट्ट्रा ऑल्सो सो हमारा फोकस कहता है पी आई बी इन साइट के अंदर कि हम एक तो टॉपिक ऑफ द डे करवाते हैं उसके अलावा जब पाँच क्वेश्चन लेके आते हैं वो जो पी की न्यूज़ होती हैं जिनमें एम भी होते हैं कोई गवर्नमेंट की रिपोर्ट आती है वो भी होती है इवन कोई प्राइवेट बॉडी रिपोर्ट निकालती है विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया और इन जनरल इम्पोर्टेंट फॉर द वर्ल्ड वो भी पी में आती है उसका मैंशन वहाँ पर होता है सो so पी के थ्रू हम काफ़ी चीज़ें कवर कर देते हैं फॉर बहुत फ़ेज़ वन एंड फेज़ टू एक और चीज़ की दिसंबर में क्योंकि हमने स्टार्ट किया था इनिशिएटिव तब जो हमारे क्वेश्चन टाइप थे ज़्यादा फेस जो ओरिएंटेड थे बिकॉज उस टाइम स्कीम्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी बिकॉज़ क्या होता है कि दो हज़ार तेईस के दिसंबर के अंदर ईयर एंड रिव्यूज़ होते हैं जिसमें स्कीम्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहती कि ये स्कीम्स ने ऐसे परफॉर्म किया इस स्कीम्स ने ये ड्रॉबैक्स हैं इस स्कीम्स को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया ऐसी जैसे चीज़ें आती हैं और सेशन था तो आंसर देने पड़ते हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिनिस्टर्स को बेसिकली जो अलग अलग पोर्टफोलियो संभालते हैं तो वो आंसर देते तो वो बताते हैं कि स्कीम ने ऐसा परफॉर्म किया तो जो हमारे दिस, दिसंबर के क्वेश्चन थे ज़्यादातर वो फोकस थे फेज़ टू के टाइप में बट ऐसे नहीं हो फेज़ वन के लिए भी सिमिलरली वैलिड थे आज जो क्वेश्चन मैं लेके आया आएँ ये थोड़े से फेज़ वन टाइप के हैं बट अगेन अब अगर आप जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करते हो स्पेशली स्कीम्स इनिशिएटिव्स न्यूज़ फॉर इंटरनेशनल इंडियन इम्पॉटेंस और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ई एस आई का एरिया कवर करते हो सो इकोनॉमी इसका एरिया कवर करते हो फाइनेंस का एरिया कवर करते हो इसमें कभी भी आप आप स्पेशली फिफ फॉर दियोर ट्वेंटी ट्वेंटी फोर अटैम्प्ट अलग से चीज़ें मत करना मतलब अगर आप ई एस आई फोर फ़ेज़ टू कर रहे हो और फिर अलग से ई एस आई फॉर फ़ेज़ वन कर रहे हो इट डजेंट मेक सेंस हाँ फेज़ वन में कुछ एरियाज़ होते हैं जो आपको अलग से करने पड़ते हैं उसके लिए मैं कहता हूँ कि लास्ट के दो महीने में फिर आप कोई भी पी डी एफ ले लो जिसमें अवार्ड्स अवॉर्ड्स स्पोर्ट्स ऐसी चीज़ें न्यूज़ पर्सन इन न्यूज़ बुक्स इन न्यूज़ ये आप तब कर लो बट ये आपकी ना फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए आर बी गेड दो दो हज़ार चौबीस की बात कर रहा हूँ मैं बाकी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो मेन स्ट्रीम करंट अफेयर्स हैं लाइक इंपॉर्टेंट स्कीम्स इंपॉर्टेंट स्टेटिक कॉन्सेप्ट ठीक है ना लाइक वॉट आर द पैरामीटर्स ऑफ आई आई पी इंडेक्स कौन कौन सी सेक्टर्स वहाँ पर इन्वॉल्व हैं सी पी आई रूरल एंड सी पी आई अरबन में क्या डिफरेंस है Uh, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा ये नेशनल इनकम होती है ये क्या होती है इज इट ग्रोथ नेशनल इनकम इज इट नेट नेशनल इनकम तो ये जो बेसिक कंसेप्ट है ना ये आपको क्लियर होने चाहिए अलॉन्ग विद द इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो अक्सर न्यूज़पेपर में चलते रहते हैं इसमें ऑफकोर्स आर बी एस तो रहेगा ही रहेगा तो ये अगर आप जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स करने हैं यू कैन जस्ट ब्लाइंडली ट्रस्ट पी आई बी इन साइट्स बिकॉज यहाँ पे खुद सोचो कि हर दिन नया टॉपिक आ रहा है और अगर आप अब से लेके कर आर बी के फेज़ वन तक देते तो आराम से पाँच महीने हैं तो ऑन ट्वेंटी डेज भी मान लो तो सौ नए टॉपिक्स आप डेली बेसिस पे करोगे अगर तो आपकी प्रिपरेशन कैसे होलिस्टिक नहीं रहेगी तो ट्रस्ट दिस इनिशिएटिव इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू मैंसली इन आर बी की एट बी एग्जाम ठीक है तो स्टार्ट करते हैं हम पहला तो बात तो ये कि आज हम जो मैंने कल क्वेश्चंस दिए थे उसके अंदर मैंने पांच जो क्वेश्चन दिए थे उसके मैं आंसर्स लेके आया हूँ अलॉन्ग विद द टॉपिक ऑफ द डे टॉपिक ऑफ द डे हमारा पीएम अजय इसे कहा जाता है या फिर अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना ठीक है पीएम अजय भी इसको कहा जाता है इसको पीएम अजय भी कहा जाता है ठीक है फिर मैं क्वेश्चंस लेके आया हूं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स में गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पे एंड एम has been बिन साइन वन मोर थिंग जो एम ओ यूज जो होते हैं ना बहुत सारे होते हैं जब आप लास्ट में एग्जाम से एक महीने पहले उठाते हो ना एम ओ यूज़ की लिस्ट हर महीने कम से कम बीस तीस एम ओ यूज़ तो साइन होते ही होते हैं बट वॉट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट अब जो ये एम ओ यू मैंने यहाँ पे उस पर क्वेश्चन बनाया ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जो ये जिस चीज़ के लिए एम ओ यू था वो एक बहुत ही क्रूशल चीज़ थी इसलिए एम ओ यू हो जाता है तो ये फिल्टर आउट करना आपको आना चाहिए ये कैसे आएगा जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे उनको एनालाइज़ करोगे वट आई वुड सजेस्ट कि ज़्यादा जा, ये नहीं कि दस साल के पेपर उठा लो जस्ट लुक एट टू ईयर्स करंट अफेयर्स ठीक है तेईस के और बाईस के आप देख लो हो उससे पहले के एक साल के देख लो बट आई थिंक दो साल के करंट अफेयर्स क्योंकि क्या है कि दो दो शिफ्ट होती हैं चार आपको फोर इंटू एट्टी तीन सौ बीस क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ये तीन सौ बीस क्वेश्चन को अगर आप स्कैन करते रहोगे ना बार बार आपके दिमाग में ऑलरेडी वो बिल्ट हो जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है अदरवाइज अगर आपको ये नहीं करना है तो जस्ट डिलीजेंटली फॉलो दिस पी आई बी इनसाइट्स यहाँ पर कोई नई नई चीज़ें पता लगती रहेंगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है प्लस तो जो मैं आपको कन्वे कर रहा हूँ मैसेज उसके थ्रू भी आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्ट हो जाएगी देन क्वेश्चन है डायरेक्ट टैक्स पे तो फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट टैक्स पे क्वेश्चन था कि अभी तक का हमने कितना परसेंट डायरेक्ट टैक्स अचीव कर लिया ऑफ आर बजट एस्टिट ऑफ ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ठीक है वी हैव क्रोस एट्टी परसेंट ऑफ द टारगेट ऑफ दिस ईयर डायरेक्ट टैक्स अब मैं इस पर क्वेश्चन क्या बना सकता हूँ इस पर क्वेश्चन तो ये बन सकता है क्या हमारा लास्ट ईयर का क्योंकि इस साल तो चल रहा है इस साल पर तो मैं बना नहीं सकता हूं दो हज़ार बाईस दो हजार तेईस का पर्सनल इनकम टैक्स ज्यादा था कॉर्पोरेट इनकम टैक्स ज्यादा था ठीक है और कौन डायरेक्ट टैक्स को मॉनिटर करता है सी बी डी टी करता है और किस एक्ट के अंदर बना है तो ऐसे स्टेटिक क्वेश्चन में उठा के लगाया यहाँ पर डाले बहुत इंपॉर्टेंट है थर्ड इज द टी एम टी प्रोजेक्ट ये टेलीस्कोप प्रोजेक्ट है बेसिकली ये मैं क्वेश्चन क्यों लेके आऊँ बिकॉज 2000 तेईस के अंदर भी फेज वन में क्वेश्चन आया था जहाँ पे एक ऐसे ही साइंस एंड टेक रिलेटेड कोई चीज पूछी थी और उसमें किसी चीज़ की फुल की, फॉर्म की पूछी थी तो <coughs> उसी ही संदर्भ में मैंने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ ठीक है तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर पी अजय उससे पहले कल के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस स्पेश फाइनेंशियल प्रोडक्ट स्वयं सिद्धा एक्सक्लूसिवली टू टेलर फॉर एस एच जी वुमेन सिकिंग लोन्स अप टू रुपीज फाइव लैक इससे मैंने दो चीजें कही थी कि यह तो इम्पोर्टेंट है ये फाइव लाख कितने तक तो का लोन है इसके अलावा इसका नाम क्या है और किसने दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ठीक है किसका फ्रेंचर प्रोडक्ट है वो अगला है नेशनल कोल इंडेक्स ठीक है यू कैन एक्सपेक्ट अ क्वेश्चन बिकॉज कोल पे काफ़ी न्यूज रहती है कोल <coughs> इंपॉर्टेंट क्यों है ऑफकोर्स थर्मल पावर प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है और ऐसे ही है कि हम कोल इंपोर्ट भी बहुत ज़्यादा करते हैं दो वी हैव कोट कोल इन इंडिया बट वी ऑल्सो इम्पोर्ट बिकॉज हमारा कोल उतना स्टैंडर्ड का नहीं है ठीक है हमारा नॉन कुकिंग कोल ज़्यादा है वॉट इज डिफरेंट बिटवीन नॉन कुकिंग कोल एंड कुकिंग कोल नॉन कुकिंग कोल में थोड़ा सा ना ऐसी ज़्यादा होते हैं उससे बाय प्रोडक्ट्स कम बनते हैं <coughs> लेकिन जो कोकिकिंग कोल होता है वो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है उससे बाई प्रोडक्ट्स सही बन जाते हैं ठीक है, है? <coughs> उसके अलावा जो मोस्टली थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है जहाँ पे आप बस उसको हीट करके स्टीम को स्टीम जनरेट करो उसे टर्बाइन मूव कर रही है वहाँ पर हम इंडिया में अक्सर नॉन कुकिंग कोल यूज़ करते हैं ठीक है बट बाकी इंडस्ट्रीज़ में कुकिंग कोल यूज़ मोस्टली होता है तो पहली स्टेटमेंट है इट कम्बाइंस कोल प्राइसेस फ्रॉम ऑल सेल्स चैनल नोटिफाइड प्राइस ऑक्शन प्राइस एंड इंपोर्ट प्राइसेस तो बेसिकली ये क्या कहना चाहता है कि देखो जब आप इंडिया में कोल बिक रहा है तो पहले तो ये था कि देखो इन जब तक हमारे एल एल पी जी रिफॉर्म्स नहीं हुए थे तब तक जो हमारा कोल का काम था गवर्नमेंट ही संभालती थी खुद ही माइन करती थी और खुद ही प्राइस पे बेचती थी बट हमने धीरे धीरे आफ्टर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बताई कि कोलगेट स्कैम था बहुत बड़ा स्कैम था कोल का उसके बाद ही हमने इसको कमर्शलाइज कर दिया गया बट स्टिल ये पूरा हाईली इनरेगुलेटेड नहीं है मतलब इसको हाईली हमने भी इंडिपेंडेंट नहीं किया बिकॉज हमें कहीं ना कहीं प्राइसिस को स्टेबल रखना है बिकॉज कोल से क्या है बिजली बन रही है बिजली कहाँ जा रही है घरों में जा रही है वी डू नॉट वॉन्ट टू इंक्रीज इन्फ्लेशन घरों में भी जा रही है बस इंडस्ट्रीज में भी जा रही है ठीक है अगर हम कोल के प्राइस बढ़ाएंगे तो जो बिजली बन रही है उसके प्राइस बढ़ेंगे बिजली के प्राइस बढ़ेंगे तो ऑफकोर्स एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके प्राइजेस भी बढ़ेंगे तो अक्सर इन प्राइसेज को पहले नोटिफाइड किया जाता है ठीक है तो दे आर नोट फ्यू देखो कोल के बहुत सारे ग्रेड होते हैं क्या किस वे में वो बेचा जा रहा है कौन सा ग्रेड का बेचा जा रहा है इस बेसिस पर ही हम जहज करते हैं क्या प्राइस रहेगा उसका तो कुछ कोलों का जो गवर्नमेंट है वो नोटिफाई कर देती है पहले ही प्राइस कि इतने में मैक्सिमम बिकेगा फिर तो ऑक्शन प्राइस ऑक्शन प्राइस में हम कहते हैं कि द जो ऑक्शन वैल्यू निकल के आती है ठीक है द फाइनल वैल्यू जो हम ऑक्शन क्या होता है वैन यू करेक्ट लॉट ऑफ बायर्स एंड यू सेल देम समथिंग एंड ऑक्शन ऑप्शन फिर एक फाइनल प्राइस निकल के आता है ऑक्शन प्राइजेस ठीक है देन इंपोर्ट प्राइस जो हम बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसका प्राइस कितना होना चाहिए तो सारे प्राइसिस को हम इंक्लूड करते हैं इन द कॉल इंडेक्स ठीक है सेकेंड स्टेटमेंट इज द बेस ईयर इज ट्वेंटी सेवनटीन ट्वेंटी एटीन तो दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट बोथ ए एंड बी आर करेक्ट थर्ड इज द डाउनवर्ड ट्रेंड इन एन सिग्निफाई द मोर बैलेंस मार्केट अलाइनिंग सप्लाई एंड डिमांड अफकोर्स जब अब हमारा कोई इन्फ्लेशन का इंडेक्स इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ इन्फ्लेशन इंडेक्स कह सकते हो इसको प्राइस इंडेक्स कह लो जो मर्जी कह लो अगर ये कम हो रहा है तो ऑफकोर्स इट इज बेटर फॉर अस अगर बहुत ज़्यादा आगे जा बढ़ रहा है तो इट इज़ नॉट बेटर इट इज़ नॉट नॉट अलाइन विद द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ स्टेटमेंट इसके बाद है पेसा नाइनटीन में आया था ये बेसिकली क्यों आया था बिकॉज इससे पहले ही पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशनइज़ किया गया था अंडर सेवेंटी थर्ड अमेंडमेंट एक्ट ठीक है बट द पॉइंट इज़ इट वॉज नॉट एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरियाज़ अब जो शेड्यूल एरियाज़ है फिफ्थ शेड्यूल के अंदर होते हैं ठीक है सिक्स शेड्यूल के अंदर वो एरियाज़ होते, है, होते हैं असम मेघालय त्रिपुरा असम मेघालय त्रिपुरा एंड मिज़ोराम ये चार स्टेट्स के जो शेड्यूल एरियाज़ हैं ये होते हैं मेरे सिक्स शेड्यूल एरिया के अंदर ठीक है बट द पेसा इज एप्लीकेबल नॉट टू दिक्कत बट टू द फिफ्थ शेड्यूल एरियाज तो जो पहली स्टेटमेंट है ये गलत है सेकेंड इज ऑल पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पी एर आईज इन कवर्ड अंडर पेसा एक्ट आर रिजर्व फॉर ट्राइबल कम्युनिटी दिस करेक्ट स्टेटमेंट सी सीबी करेक्ट है पहले नाइन स्टेट्स थी बट तो जब तेलंगाना को हमने अलग किया तो उसके ऊपर टेन स्टेट्स होगी तो बहुत बी एंड सी आर द करेक्ट आंसर बेसिकली क्यों है बिकॉज वी वी टू डेवलप द थर्ड दर्ड गवर्नमेंट इन द शेड्यूल एरियाज उसके लिए ये एक्ट बनाया गया था ठीक है नाउ आई एम आस्किंग यू द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सो ऑल द स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट ठीक है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हाफ नो इट इज हेल्ड हेल्थ डायरेक्टर जनरल

अलमार्ट होगी अस्थाना होगी ब्रजीलिया डिकलेज इंपॉर्टेंट डिक्लेरेशन यू पी एस सी हेज आज द क्वेश्चन इन आई थिंक ट्वेंटी ट्वेंटी रिमेबर इन विच ईयर इट दे आज द क्वेश्चन ऑन दिसलिएशन डिक्लेरेशन, डिकलेन डिक्लेरेशन। भी इम्पॉर्टेंट है इट जनरली फोकस इज ऑन योर प्राइमरी हेल्थ केयर ठीक है सो इसका आंसर हो जाएगा बव ऑल आर इन थर्ड फिफ्थ क्वेश्चन इज योर इंडिया यू ई कॉम्प्रहेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट सो पहली स्टेटमेंट है हंड्रेड परसेंट और टोटल एक्सपोर्ट्स टू द यू इन द वैल्यू टर्म्स वुड बिकम ड्यूटी फ्री दिस इन यर स्टमेंट हंड्रेड परसेंट नहीं नाइटी परसेंट ये आप कॉमन सेंस से भी सॉल्व कर सकते हो ऑफकोर्स खुद सोचो कि अगर हंड्रेड परसेंट हमारे आ, जो प्रोडक्ट्स हैं जो वैल्यू एक्सपोर्ट्स हैं सब पे अगर ड्यूटी फ्री कर दें तो इट इज़ नॉट एग्जैक्ट पॉसिबल पॉसिबल चलो है भी बट कुछ तो ऐसे एक्सेप्शन होगी ना जहाँ पर हम नहीं करना चाहते हैं जहाँ पर यू ए नहीं करना हमें प्रोवाइड करना चाहता ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स तो इट इज़ नाइन्टी परसेंट एनी गुड्स वुड क्वालीफाई फॉरशियल टेरिफ अंडर इंडिया यू ए पी सेपा इफ वैल्यूट कंटेंट एडिशन इज नॉट लेस देन फिफ्टी परसेंट मतलब बेसिकली रूल्स ऑफ औरिजिन के रिगार्डिंग है आ, क्योंकि हम चाहते हैं कि सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स को फायदा मिले अंडर द इंडिया यू ई सेपा एग्रीमेंट जो इंडिया में प्रोड्यूस हो रहे हैं अगर इंडिया प्रोड्यूस नहीं हो रहे तो एटलीस्ट फोर्टी परसेंट उसका कंटेंट वैल्यू इंडिया में आ रहा है तभी उसका फायदा मिलेगा अदरवाइज उसको हम नहीं फायदा देंगे सही वातावरण अदर बाकी कंट्रीज क्या करेंगी अपने प्रोडक्ट्स इंडिया के थ्रू भेजेंगे और ट्रेड इसका फायदा उठाएंगे बट ऐसा नहीं है बिकॉज हम फोर्टी परसेंट मिनिमम कंटेंट रिक्वायरमेंट मांगते हैं तो ये क्या है सही है अब है फ्यूचर तो से इन इज अर्मनेट सेफ गिट फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया ने कि आप इंडिया के इम्पोर्ट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं यू ए से किसी चीज़ को लेकर तो हम आप हम एक सेफ गर्ण मैकेजम लगा सकते हैं यहाँ पे कुछ टैरिफ लगा सकते हैं फिर कोई ऐसा कुछ ताकि हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर उनको नुकसान ना हो तो ये कहाँ पे इट इज गिवन अंडर दिस एग्रीमेंट तो इट इज़ सी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इकॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट यहाँ पे बहुत चीज़ों की बातें की गई है इन्वेस्टमेंट की बातें की गई है आईपीआर इंटलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की बातें की गई हैं प्लस ऐसे मैकेनिज्म की बातें भी की गई हैं जब हम बात करते हैं इन अग्रीमेंट्स की इट इज नॉट की बस आप इन आइटम्स पर ड्यूटी छोड़ दो हर चीज़ की बात करनी पड़ती है अगर इम्पोर्ट बढ़ गए तो हम क्या मैकेनिज्म लेंगे एक्सेट्रा ठीक है तो बहुत बी एन सी आर द करेक्ट स्टेटमेंट नाउ विल डू द पी एम अजय और अनुसूचित अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना पीएम अजय ठीक है पीएम अजय पढ़ने से पहले शेड्यूल कास्ट इंडिया में कौन डिफाइन करता है तो देखो क्या होता है कि एक एस सी होते हैं एस टी होते हैं ओबीसी होते हैं ओबीसी की दो टाइप की लिस्ट बनती है एक स्टेट लिस्ट होती है एक सेंट्रल लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट का रोल होता है सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल होता है एस सी एस टी आई थिंक एक ही लिस्ट बनती है फॉर ऑल ओवर इंडिया ठीक है अगर कोई एस अगर एक स्टेट में तो ऐसी बाकी जगह भी ऐसी ही कंसिडर किया जाएगा ठीक है नाउ कौन नोटिफाई करता है प्रेजिडेंट नोटिफाइज दिस इसके लिए आप आर्टिकल थ्री फोर्टी वन एक बार रीड कर सकते हो द प्रेजिडेंट मे विद रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी एंड वेयर इट इज अ स्टेट आफ्टर कंसल्टेशन विद द गवर्नर ठीक है बाय पब्लिक नोटिफिकेशन मतलब गवर्नर अगर आ, हमने किसी को एस सी स्टेटस देना है देन विद गवर्नर हम जो अगर किसी स्टेट का कोई पॉपुलेशन है लेट्स से कि कोई, कोई शेड्यूल कास्ट ग्रुप है जो लेट्स से ओडिशा के वहाँ रह रहा है, वहाँ का गवर्नर विथ प्रेसिडेंट <coughs> डिसाइड किया करेंगे कि उस ग्रुप को हम ऐसे स्टेटस दे रहे हैं और उसका ऐसे स्टेटस ऑल ओवर इंडिया अप्लाइड होगा ऐसे नहीं सिर्फ ओडिशा में अप्लाई होगा तो ये है आर्टिकल थ्री यू कैन जस्ट रीड इट उसके अलावा यहाँ बात की गई है कि क्या क्या प्रोविजन है फॉर एस सी एस टीज एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस इन आर कॉन्स्टिट्यूशन जब फंडामेंटल राइट्स में भी है डी पी एस पीज में भी है इनके रिगार्डिंग लॉज इन कॉन्स्टिट्यूशन और अलग से भी आर्टिकल्स है लाइक एन एन सी एस सी एन सी एस सी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स सो देर आर मैनी आर्टिकल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन केटरिंग टू द सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ सच वनरेबल ग्रुप्स तो यू कैन रीड दिस थिंग ऑल्सो ठीक है इसके अलावा मैंने जैसे कल बताया था आ, लास्ट वीडियो में कि ईयर एंड रिव्यू मिनिस्टर ट्राइबल अफेयर्स उसी कोरस्पोंडिंगली मैंने बताया था कि एस की कितनी पॉपुलेशन इंडिया में आई थिंक एट परसेंट थी ठीक है और बाकी आठ परसेंट किसकी है आठ परसेंट की है एट परसेंट हमारे एस की है, की है तो ये मिला के कितनी होती सिक्सटीन परसेंट ठीक है एस सी प्लस एस अब ये पीएम अजय स्कीम है क्या इट इज मर्ज स्कीम थ्री सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नेमली आदर्श ग्राम योजना ठीक है स्पेशल सेंट्रल शेड्यूल कास्ट सब प्लान एंड बाबू जगजीवन राम छत्रवास योजना बेसिकली क्या है ये जो एसी डोमिनेटेड विलेजेस हैं वहां पे हम सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाएं जो ऐसी स्कूल्स हैं वहाँ पे हम हॉस्टल्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें ताकि उनका वहाँ से ड्रॉप आउट रेट कम हो जाए उसके अलावा जो भी फंडिंग की फैसिलिटी है जो भी फैसिलिटीज़ है इट तो इज गिवन अंडर दिस स्कीम जब हम इनके तीन कॉम्पोनेट्स को डिटेल में पढ़ेंगे तो वी विल अंडरस्टैंड द स्कीम इन अ मच बेटर वे सो so, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द पी एम अजय स्कीम तो दे विल विल दे गिव यू दिस थ्री इन द ऑप्शन एज वेल एज वन और टू ऑप्शन विच आर नॉट पार्ट ऑफ द पी एम अजय तो आपको क्या होता है कि ये जो कम्पोनेंट्स होते हैं इनको याद करना पड़ता है अहर इंपॉर्टेंट है इसके अलावा क्या फैक्ट है इसमें याद करने वाला आई विल टेल यू आगे अगली स्लाइड्स के अंदर और ये क्या है बेसिकली दो हज़ार इक्कीस बाईस से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है क्यों कर रहे हैं टू रिड्यूस पॉवर्टी ऑफ़ एस सी कम्युनिटीज़ बाय जनरेशन ऑफ एडिशनल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज थ्रू स्किल डेवलपमेंट इनकम जनरेटिंग स्कीम्स एंड अदर इनिशिएटिव्स लेड टू इंप्रूव सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेटर्स ठीक है बेसिक टारगेट है कि हमें सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स इंप्रूव करने हैं एससीज के बिकॉज अल्टीमेटली अगर हम वो करेंगे तो हमारा एस डी जी जो टारगेट है असिस्टेंट डेवलपमेंट गोल्स का वो भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है नाउ दीज आर द थ्री कॉम्पोनेट पहला है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एस सी डोमिनेटेड विलेजेस इन टू आदर्श ग्राम ठीक है सेकेंड कॉम्पोनेंट इट इज ग्रांट्स इन एड फॉर डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल प्रोजेक्ट फॉर द सोशो इकोनॉमिक बेटरमेंट्स ऑफ़ एससीज दैट मे इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन एससी डोमिनेटिक विलेजेस इंक्लूडिंग दोज इलेक्टेड अदर्स फ्रम कॉम्पोनेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स रेजिडेंशियल स्कूल्स कॉम्प्रेहेंसिव लाइवलीड प्रोजेक्ट्स विच में इंक्लूड कॉम्पोन स्किल डेवलपमेंट इंफ्रास्टक्चर डेवलपमेंट फाइनेंशियल अस्िस्टेंट टूवर्ड्स लोन टेकन बाई बेनिफिशरीज सो अलॉट ऑफ थिंग्स आर हेयर लाइवलीड अपॉपर्चुनिटीज में बहुत चीजें आ जाती हैं स्किल डेवलपमेंट आ जाता है उनको लोन देना आ जाता है तो सब कुछ सब कुछ सेकंड कॉम्पोनेंट में कवर होगा बेसिकली क्या है हम ग्रांट्स दे रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ग्रांट दे रही है किसको स्टेट को दे रही है फॉर डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स ठीक है थर्ड है जो हमारा कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन डेट आर टॉप रैंक एज पर एन ठीक है ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड आर द फंडेड बाय द सेंट्रल स्टेट यूटी गवर्नमेंट्स इधर फुली और पार्शली ठीक है तो तीन कॉम्पोनेंट है पहला ये जो एसिड डोमिनेटिव विलेजेस हैं उनको आदर्श ग्राम बनाना है कैसे बनाओगे वहाँ पे आप वाटर फैसिलिटीज लेके आओ वहाँ पे कर... कनेक्टिविटी uh, लेके आओ वहाँ पे आप टेलीकॉम कनेक्शन uh, लेके आओ वहाँ पे टावर्स लेके आओ ठीक है uh, वहाँ पे आप हॉस्पिटल लेके आओ एजुकेशन फैसिलिटीज लेके आओ उनको आदर्श ग्राम बनाओ जो एसिड डोमिनेटेड है देन सेकंड कॉम्पोनेंट बात करते हैं हम ग्रांट्स देंगे फॉर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्टेबल प्रोजेक्ट्स प्रोजेक्ट्स गेटिंग टू मल्टीपल थिंग्स अंडर द एमबिट ऑफ लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज लाइक एजुकेशन लोन स्किल डेवलपमेंट एंड सो ऑन थर्ड कॉम्पोनेंट है वो बात कर रहे है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स इन हायर एजुकेशन फॉर एससीज एज पर द एन आई आर एफ रैंकिंग्स ठीक है टॉप रैंक जो होंगे एन आई आर एफ के अंदर उनको हम वहां पर हम होस्टल्स बना के देंगे अब एक, एक करके सारे कॉम्पोनेट्स को रीड कर लेते हैं पहला है अबाउट अदर्श ग्राम कॉम्पोनेंट एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए एससी मेजोरिटी विलेजेस के अंदर ठीक है ओल्ड इंफ्रास्टक्चर नेसेसरी फॉर सोशलमेंट नीज टू बी प्रोवाइड इन द स्कीम इंप्रूवमेंट सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ठीक है बेसिकली क्या चाहते हैं हम कि एस एंड नॉन एस सी पॉपुलेशन का जो डिस्पैरिटी है इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट वो जितनी ज्यादा कम हो जाए उतना बेटर है उसके रिगार्डिंग है फर्स्ट कॉम्पोनेंट सेकेंड कॉम्पोनेंट है हमारा बेसिकली ग्रांट्स इन एड देना किसके लिए देना स्किल डेवलपमेंट के लिए देना ग्रांट्स फॉर क्रिएशन ऑफ एक्शन एसेट्स फॉर बेनिफिशरीज और हाउस होल्ड ठीक है और क्रिएटिंग अदर इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसको भी आप एक बार रीड कर सकते हो मैं अभी रीड कर लेता हूँ फिर भी uh, और जो प्रोजेक्ट है जो बात कर रहा हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल प्रोजेक्ट्स की ये जो है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर ऑफ द फॉलोइंग टू तो ये हो गए सी है बेसिकली अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इसके अलावा कोई और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो भी आ सकता है यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही आएंगे इसके अलावा कोई और इंफ्रा भी आ सकता है अदर इंफ्रा प्रोजेक्ट ठीक है तो बेसिकली क्या होना चाहिए स्किल डेवलपमेंट स्किलिंग कोर्सिस एज पर नॉर्म्स ऑफ एम एस डी ही रिलेटेड फैसिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर कनेक्टेड स्किल डेवलपमेंट एक्टिविटीज ठीक है स्किल की बात की जा रही है ग्रांट्स फॉर क्रिएशन एंड ऑफ एसेट्स फॉर बेनिफिशरीज एंड हाउस होल्ड शैल बी स्टैंड अलोन दिस स्टैंड अलॉन इंडिविजुअल एसेट डिस्ट्रीब्यूशन द स्कीम हावअर इफ प्रोजेक्ट हैज प्रोविजन फॉर एक्विशन नीड फॉर लाइवलीहुड जनरेशन फाइनेंशियल असिस्टेंस टू लोन टेकन बाई द बेनिफिशरी फॉर एसेट्स वुड भी अप टू रुपीज फिफ्टी थाउजेंड और फिफ्टीस एसेट कॉस्ट ठीक है अगर कोई बेनिफिशरी इन द हु बिलोंग्स टू एस कैटेगरी कोई अगर एसेट बना रहा है अगर वो वो लाइवलीहुड प्रोजेक्ट के लिए एसेट बना रहा है तो उस पर उसको पचास हजार तक का लोन या फिर पचास परसेंट तक का इन दोनों में जो भी मिनिमम होगा वो मिलेगा ठीक है विच एवर इज लेस अब थर्ड कॉम्पोनेंट हॉस्टल कॉम्पोनेंट ठीक है सो so बेसिकली क्या है uh, इसको पहले कहा था बाबू जीवन राम छत्रवास योजना भी कहा जाता था तो स्कीम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्टल्स टू एनेबल एंड एनकरेज शेड्यूल का स्टूडेंट्स टू अटेन क्वालिटी एजुकेशन ड्यूज़ द ड्रॉप आउट ठीक है जब हम एस हॉस्टल्स बनाएंगे वहाँ पर मोर हॉस्टल्स बनाएंगे तो अल्टीमेटली उससे क्या होगा ड्रॉप आउट रेट कम हो जाएगा एस का तो हम बेसिकली क्या लेके आ रहे हैं हायर एजुकेशन में उनका इक्विटी लेके ले आ रहे हैं उनकी उनकी रिकग्निशन लेके आ रहे हैं ठीक है अब यहाँ पे यह सस्टम्स इंपॉर्टेंट है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में हम साढ़े तीन लाख पर वो देते हैं हॉस्टल एन ई आर में इतना देते हैं नॉर्थ ईस्ट हिमालयन हिमालयन रीजन में प्लेन लोअर हिमालयन रीजन में तीन लाख देते हैं ठीक है वन टाइम ग्रांट ऑफ रूपिस फाइव थाउजेंड पर स्टूडेंट फॉर मेकिंग प्रोविजन ऑफ कोर्ट टेबल एक्सेट्रा ठीक है उनको अगर हॉस्टल रूम के अंदर उनको टेबल चाहिए बेड चाहिए तो उसके लिए उनको पाँच हज़ार का वन टाइम ग्रांट दिया जाता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट अप टू रुपीज़ फाइव लैख फोर एंड हॉस्टल एंड फिफ्टी और फिफ्टी और फिफ्टी कंसिडर द स्कीम वंस इन फाइव ईयर्स ठीक है तो तीन चीज़ों का ध्यान रख रहा है पहले तो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा दे रहा है फिर जो अम्यूनिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए स्टूडेंट को कोस्टल रूम के अंदर उसके लिए पैसा दे रहा है ग्रांट दे रहा है थर्ड इज बेसिकली रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी पैसा दे रहा है तो ये तीन कम्पोनेंट है हमारे पी एम अजय के आई डोंट थिंक इतना डिटेल में आर बी आई जाएगा कि क्योंकि देखो बहुत सारे वेरिएबल्स हैं थ्री पॉइंट फाइव थ्री पॉइंट .00 टू फाइव थ्री लैख भी है सो आई डोंट थिंक सो इतना जाएगा uh, अगर न्यूज़ में रहती है ये चीज तो आ सकता है बट आई डोंट थिंक सो आरबीआई ये क्वेश्चन पूछेगा ये मेरा ओपिनियन है बट स्टिल आप एक बार इसको याद करना ठीक है व्हाट आरबीआई कैन आस्क इज दिस थिंग दिस कि कौन-कौन से कंपोनेंट है या नहीं है बारिंग अगर ये न्यूज़ में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा इशू हो रहा है कुछ गवर्नमेंट ने ऐसा चेंज लेके आए हैं इसके अंदर तो ये फिर इसके अंदर ये पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कितनी ग्रांट मिल रही है जो वन टाइम ग्रांट मिल रही है ना ये ये पाँच हज़ार की ये पूछ सकते हैं वो ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चंस की ओर तो पहला क्वेश्चन है बेसिकली सच सर्वेक्षण अवार्ड्स आए हैं ठीक है आपको पता है इंदौर बार बार टॉप करता है इसके अंदर अब मैंने पूछा है इंदौर के अलावा कौन सी सिटी ने इस बारी पहली बारी हमने दो सिटीज़ को इकट्ठा टॉप रैंक दिया है दूसरी सिटी का नाम क्या है उसके अलावा पूछा मैंने इंदौर जो है वो उसका जो ये बड़ी टॉप वन क्लीनेस सिटी में ना कंजटिवली कौन सा ईयर है तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है ठीक है तो देखना इसका आंसर करना है। है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेकेंड है सिंस गवर्नमेंट मार्केट में बहुत न्यूज़ में रहता है एंड ये क्वेश्चन जो है ये एस बी आई पी ओ मेन्स के जनरल अवेयरनेस में आया था और बहुत मेरे को काफी क्वेश्चन अच्छा लगा बिकॉज हम गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पढ़ते हैं तो हम समझ समझ नहीं आता क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है क्वेश्चन आया कि देखो गवर्नमेंट ट प्लेस ने काफी सारे इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म जो सिमिलर काम कर रहे हैं उनको सरपास कर दिया इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू रेवेट्रा ठीक है तो पी था कि में इंडियन कंट्रीज के प्लेटफॉर्म को सरपास किया है तो उन्हीं में एक प्लेटफॉर्म था जीबीज अब मैंने पूछा ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है आपको ये बताना ठीक है इसके बाद पूछा मैंने एमओ यू सो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक एंड सम पब्लिक सेक्टर यूनिट हैज साइंड एन फॉर व्हाट पर्पस

जब आरबीआई एग्जाम दे रहे हो गए, तब तक आगे बस तेईस चौबीस का डेटा भी हो जाएगा तो आपको वो पढ़ना है फिर बाईस तेईस का नहीं पढ़ना है बस मैंने एग्जाम्पल कि इस समय में क्वेश्चन आ सकता है ठीक है इन बाईस तेईस पर्सनल इनकम टैक्स वॉज मोर देन कॉपोरेट इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन फॉर द ईयर द बजट एस्टिमेट्स ठीक है सीबीडी डील विद्स मेट्री कलेक्शन डायरेक्ट एंड इज फॉर्म अंडर आई टी एक्ट ठीक है आपको इनमें से क्या बताना है करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है ठीक है अब एक टेलीस्कोप है सिंस इट इज़ पार्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड पी आई बी मैं न्यूज़ में था ये इसका प्रोजेक्ट इंडिया दो हज़ार चौदह से है अभी भी किसी चीज़ को लेकर न्यूज़ में था तो वो किस चीज़ का न्यूज़ में था यू कैन रेफर टू द पी आई बी लिंक जो मैंने नेक्स्ट पेज में दी है वहाँ पर रेफर करके पढ़ सकते हो आप उसके अलावा मैंने पूछा जो टी एम टी है इट्स अ ते टेलीस्कोप और लिखा गया डैश मीटर टेलीस्कोप कितने मीटर का टेलीस्कोप बेसिकली ये डाय मीटर की बात करें टेलीस्कोप की कितने मीटर का डाया मीटर होगा ठीक है टेलीस्कोप का तो खैर यहाँ पे मैंने बताने हिंट तो दे ही दिया है क्योंकि इतना कितना बड़ा डायमीटर हो सकता है उससे हिंट तो आपको चला ही गया बट द पॉइंट इज कि यहां पे नहीं गिवन है डायमीटर की बात कर रहा है तो आपको इसमें बताने की जो टी है यहाँ पे टी किसकी बात टेन की बात करें थाउजेंड की बात कर रहा है ट्वेंटी की बात कर रहा है ट्रिलियन कर रहा है थर्टी की कर रहा है ठीक है दिस यू हैव टू आंसर इसके आंसर के लिए आप पी लिंक्स को रेफर कर सकते हैं एक बार ठीक है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स के लिए जीएम के लिए एमयू के लिए डायरेक्ट टैक्स के लिए टीएमटी बजट के लिए जस्ट रेफर दिस इसके आंसर आपको नेक्स्ट स्लाइड में मिल जाएंगे उसके लिए आप पी डाउनलोड कर सकते हो एन एक बार उनको देख सकते हो सो थैंक यू गाइस एंड कीप शडिंग